आज इस वीडियो में हम गैफी और रानी को एक मजेदार कहानी पर चर्चा करते हुए देखेंगे। हेलो रानी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ गैफी, तुम क्या कर रही हो? मैं सारस और लोमड़ी की कहानी पढ़ रही हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ पढ़ना चाहोगी? हाँ जरूर, चलो कहानी को मिलकर पढ़ते हैं। एक दिन एक मतलबी लोमड़ी ने एक सारस को रात के खाने पर बुलाया। सारस ये सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे भोजन करना बहुत पसंद था। वो समय पर लोमड़ी के घर पहुंचा। उसने अपनी लंबी चोंच से दरवाजा खटखटाया। लोमड़ी ने दरवाजा खोला और अंदर आने को कहा। फिर लोमड़ी उसे खाना खाने की मेज पर ले गई और अपने और सारस के लिए गोल कटोरे में सूप परोस दिया। क्योंकि कटोरा सारस के लिए बहुत गोल था, इसलिए वो सूप बिल्कुल भी नहीं पी पाया। लेकिन लोमड़ी ने जल्दी से अपना सूप चट कर लिया। गैफी, तुम्हें क्या लगता है, लोमड़ी ने जानबूझकर सारस को गोल कटोरे में खाना दिया? रानी, मुझे तो ये नहीं लगता, पर मैं ये सोच रही हूँ कि ये देखकर सारस को कैसा लगा होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सारस को कैसा लगा होगा? सारस को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपना गुस्सा नहीं दिखाया और शांत रहा। उसने भी मन ही मन एक योजना बनाई लोमड़ी को सबक सिखाने की। उसने अगले ही दिन रात के खाने पर लोमड़ी को बुलाया। जब लोमड़ी उसके घर पर आई, तब उसने भी सूप परोसा, लेकिन इस बार सूप को दो पतले पतले फूलदानों में परोसा। सारस ने अपनी लंबी चोंच फूलदान में डाली और सारा सूप पी लिया, लेकिन लोमड़ी अपनी छोटी गर्दन के कारण उसमें से कुछ नहीं पी पाई। अब ये सब देखकर लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो भूखी घर चली गई। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अब आपकी बारी है, आपको ये कहानी कैसी लगी? सारस ने लोमड़ी को सबक सिखाने के लिए क्या किया? क्या सारस ने जो किया वो सही था? आपको कौन सा किरदार पसंद नहीं आया और क्यों? स्क्रीन पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर सोचें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ ये कहानी साझा करें। दोस्तों, इस वीडियो में हमने लोमड़ी और सारस की एक मजेदार कहानी पर चर्चा की।